गुड मॉर्निंग सभी बच्चों को, गुड मॉर्निंग। सभी बच्चों को गुड मॉर्निंग। एक बार बता दीजिए, वीडियो क्लियर नजर आ रही है और मेरी वॉइस ऑडिबल है? गुड मॉर्निंग उपेक्षा, गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग बच्चों, गुड मॉर्निंग। जल्दी से फटाफट से आ जाइए, फिर हम आज की क्लास जो हमारी कार्डियोवैस्कुलर की चल रही थी उस स्टार्ट करते हैं। गुड मॉर्निंग सभी बच्चों को, गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग। जल्दी से क्लास को शेयर कर दीजिए, जितने भी आपके सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स हैं, व्हाट्सएप, इंस्टा, लाइन, हाइक, ट्विटर, और भी कोई दूसरे ऐप और टेलीग्राम, अच्छा टेलीग्राम भी इतना चल रहा है, उन सब पे शेयर कर दीजिए, ठीक? क्योंकि आज हम फिर से अपनी कार्डियोवास्कुलर की क्लास की स्टार्ट कर रहे हैं, बहुत दिन हो गए थे बीच में। मैं बहुत बढ़िया बच्चे, आप कैसे हो सभी? एक बार सभी बच्चे रिप्लाई करें और जल्दी से जल्दी अपनी क्लास को शेयर करें, जितने भी आपके सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म से सभी पे शेयर कर दीजिए, ठीक? फिर हम आज की क्लास स्टार्ट करते हैं कार्डियोवैस्कुलर की, है ना? जल्दी से शेयर कर दीजिए, 2 मिनट दे रहा हूँ, क्लास को शेयर कर दीजिए। बाकी जितने बच्चे देख रहे हो एक बार बताए, वॉइस ऑडिबल है, वीडियो क्लियर है? एक बार बच्चे बताए, वॉइस ऑडिबल है, वीडियो क्लियर है? सभी को मेरी आवाज सुनाई दे रही है? आज तो मौसम भी बहुत बढ़िया हो रहा है बारिश की वजह से, 2 दिन से बारिश हो रही है तो लगातार मौसम भी ठंडा हो रहा है, तो पढ़ने में मजा आएगा। हाँ बस संडे है तो सुबह सुबह उठना पड़ता है, लेकिन वो कहते हैं ना, कुछ पाने के लिए कुछ तो छोड़ना भी पड़ता है। यस सर ठीक है, जल्दी से सभी बच्चे आ जाइए। गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग। सभी बच्चे अपना हालचाल भी तो बता दो, कैसे हो सभी? मेरा तो पूछ लिया बच्चों ने, बाकी सब कैसे हैं? जितने बच्चे देख रहे हैं सबका हालचाल कैसे हैं? उपेक्षा, सुजाता, विनय, के दिवाकर, भूपेंद्र, उपेक्षा, दीपांशु, एम एस धोनी। भाई एम एस धोनी के भी फैन है यहाँ पे, बढ़िया है। जल्दी से क्लास को शेयर करें, 2 मिनट और देता हूं, 2 से 3 मिनट, फिर हम स्टार्ट करेंगे आज की क्लास, ठीक? क्लास स्टार्ट करने से पहले एक जरूरी इंफॉर्मेशन, जितने भी बच्चे और आने वाले बच्चे जितने भी हैं, अब आपको पता है नॉर्थ सेट एग्जाम हो चुका है ना? अब आने वाले बहुत से एग्जाम लगने वाले हैं, लेकिन हमारी फैमिली यानी कि एकॉन फैमिली और जितने एकॉन के स्टूडेंट्स हैं, स्किन रिवाइज कर ले बच्चे, स्किन ना मैं आपको बाद में रिवाइज करा दूंगा, पहले कार्डियोवास्कुलर चल जाए। मस्त हैं सर, आई एम नॉट फाइन। क्यों भाई, क्या हो गया? दिवाकर जी क्या हो गया, क्यों नहीं हो बढ़िया? स्किन वाला धोनी साहब रिवाइज करवा देंगे, पहले कार्डियोवास्कुलर चल जाए आराम से, इसके बाद फिर स्किन मिलेगा तो मैं स्किन भी करवा दूंगा, पहले कार्डियोवास्कुलर की खत्म करेंगे अच्छे से डिजीज कंडीशन, क्योंकि वो कहते हैं ना, एक चीज की शुरुआत करी तो उसको खत्म भी करनी होती है। हाँ तो एकॉन की टीम वापस आपके लिए आई है, 1 से 2 नवंबर तक आपका रजिस्ट्रेशन हो सकता है, क्योंकि इवनिंग बैच दिल्ली ब्रांच का, इवनिंग बैच दिल्ली ब्रांच का, यानी कि 2 से 8 PM तक का 1 से 2 नवंबर को डेमो है। दूसरा, जिन बच्चों को मॉर्निंग बैच ज्वाइन करना है उनके लिए भी खुशखबरी, 15 से 16 नवंबर यानी कि 8:30 से 2 बजे तक का डेमो, यानी मॉर्निंग बैच का डेमो है 15 से 16 नवंबर को और इवनिंग बैच का है 1 से 2 नवंबर को।
तो जिन लोगों को, जितने भी मेरे नर्सिंग ऑफिसर्स है, फ्यूचर नहीं प्रेजेंट नर्सिंग ऑफिसर्स है, उनको एकॉन के साथ जुड़ना है और अपने ड्रीम को, यानी कि जो उनका गवर्नमेंट जॉब का सपना, उसे पाना है, तो नीचे दिए गए जो रजिस्ट्रेशन नंबर है उस पर कॉल करिए और फटाफट से रजिस्ट्रेशन करवाइए। फिर से बता रहा हूँ, इवनिंग बैच का है 2 से 8 बजे का और डेमो कब है, 1 से 2 नवंबर को, यानी आने वाले महीने में। और मॉर्निंग बैच का डेमो है 15 से 16 नवंबर को, 8 से 2 बजे का। ठीक सर, मेरी सिस्टर आईसीयू में है। ओहो, कैसी है अभी? ठीक है, अब टेंशन मत लो, ठीक हो जाएगी, टेंशन मत लो, स्पीड रिकवरी होगी, इतनी मेहनत कर रहे हो आप सब, है ना, ठीक हो जाएगी, टेंशन मत लो। जल्दी से क्लास को शेयर कर दीजिए, जितने भी आपके सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म उस पर शेयर करिए, फिर हम क्लास स्टार्ट करते हैं। जल्दी से, फटाफट से, अभी 10 बच्चे लाइव है, बाकी सब भी शेयर करिए फटाफट से, फिर हम आज की क्लास स्टार्ट करेंगे। देखो इतनी बार बारिश हो रही है, हम फिर भी आ गए क्लास लेने आपकी, क्योंकि हमने वादा करा है कि हम कार्डियोवास्कुलर पूरा पढ़ा के जाएंगे आपको, और एकॉन ने भी वादा करा कि पूरा आपको सबको पहुंचाएगा, पूरे देश में जहां जहां बच्चे बैठे हैं, जिन जिनका सपना है कि हमें नर्सिंग ऑफिसर बनना है, उनके लिए हम पूरी फ्री क्लासेस लेके आए, है ना, सबको पहुंचा दीजिए, जितने आपके सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म है, उठा उठा के नींद उनकी खराब करके, पाए उठ पे, जल्दी उठ, क्लास लग रही कार्डियोवास्कुलर, जल्दी उठा। ठीक है, चलो फिर बच्चे आ रहे हैं धीरे धीरे, तो फिर क्लास स्टार्ट करते हैं। अब देखो, लास्ट क्लास में हम थोड़ा बहुत एक बार रिव्यू ले लेते हैं कि लास्ट क्लास में हमने क्या पढ़ा था। लास्ट क्लास में हमने पढ़ा था किसके बारे में, हार्ट की एनाटॉमी के बारे में, जिसमें हमने उसके स्ट्रक्चर के बारे में डिसाइड करा था कि कितना स्ट्रक्चर होता है, कार्डियक नॉच में प्रेजेंट होता है, कौन सी कैविटी में प्रेजेंट होता है, थोरैसिक कैविटी में। फिर हमने बात करी थी एपेक्स और बेस की, कि एपेक्स होता हमारा कॉनिकल पार्ट जो कि नीचे फिफ्थ इंटरकोस्टल स्पेस में, जबकि बेस हमारा सेकंड इंटरकोस्टल स्पेस में। ठीक, गुड मॉर्निंग बच्चे, गुड मॉर्निंग। उसके बाद हमने बात करी थी कि मेल में उसका वेट अलग होता है, फीमेल में वेट इसका अलग होता है। ठीक, फिर उसके बाद हमने बात करी थी कि हमारे हार्ट के टोटल कितने चैंबर्स होते हैं, 4 चैंबर्स होते हैं, राइट एट्रियम, राइट वेंट्रिकल, लेफ्ट एट्रियम, लेफ्ट वेंट्रिकल। आज हम जो बात करेंगे मेनली के सर्कुलेशन ऑफ ब्लड, यानी कि हार्ट में ब्लड का कैसे सर्कुलेशन होता है, किस किस आर्टरी, किस किस वेन और कौन से चैंबर से ब्लड सर्कुलेशन होता है, उसके बारे में हम बात करेंगे। बस बढ़िया है, जिंदा सारे हम जिंदा है। ठीक है, तो कार्डियोवास्कुलर की शुरुआत करने से पहले मेरा सबसे पहला सवाल, सबसे पहला सवाल जो मैंने ऑलरेडी 3 से 4 बार अपनी क्लासेस में पढ़ाया है, कि सर्कुलेशन ऑफ ब्लड की डिस्कवरी किसने करी थी, सर्कुलेशन ऑफ ब्लड की डिस्कवरी किसने करी थी, जल्दी से बच्चे रिप्लाई करो। ये मैं बता चुका हूं, जितने बच्चे मेरी क्लास देख रहे हैं ऑलरेडी प्रीवियस वीडियो में भी जाके देख सकते हैं, जल्दी से मुझे बताइए सर्कुलेशन ऑफ ब्लड की डिस्कवरी किसने करी, जल्दी से 30 सेकंड दे रहा हूं। बिल्कुल बिल्कुल, हम सब की प्रेयर से बिल्कुल ठीक होगी, बिल्कुल। अब जल्दी से मुझे बताओ फटाफट से कि भाई सर्कुलेशन यानी कि ब्लड सर्कुलेशन की डिस्कवरी किसने करी, सर्कुलेशन ऑफ ब्लड की डिस्कवरी किसने करी, 30 सेकंड दे रहा हूं, जल्दी से रिप्लाई करो, जल्दी से। अच्छा, 2 ऑप्शन दे देता हूं, नहीं ऑप्शन नहीं दूंगा आज, ऑप्शन नहीं दूंगा मैं, हर बार ऑप्शन दे देता हूं, आज ऑप्शन नहीं दूंगा, ये ऑलरेडी पढ़ा दिया। जल्दी से बच्चे बताओ सर्कुलेशन ऑफ ब्लड की डिस्कवरी किसने करी, पुराने नोट्स देखो लेकिन जल्दी से बताओ मुझे, 30 सेकंड दिए, जल्दी से बताओ सर्कुलेशन ऑफ ब्लड की डिस्कवरी किसने करी। मानोगे नहीं ना मेरे लाडले बच्चों, पहला है विलियम हार्वी,
दूसरा है एनी बेसेंट, और तीसरा है विलियम लुइस। जल्दी से बच्चे मुझे रिप्लाई करो, सर्कुलेशन ऑफ ब्लड की डिस्कवरी किसने करी? विलियम हार्वी, एनी बेसेंट, विलियम लुइस। जल्दी से बच्चे रिप्लाई करो, जल्दी से। जल्दी से रिप्लाई करो। एक भी बच्चा रिप्लाई नहीं कर रहा भाई, ऐसे थोड़ा ना चलता बच्चों। सबको पढ़ाया है, जितने बच्चे क्लास ले रहे सबको मैंने पढ़ाया है। जल्दी से रिप्लाई करो, तीन ऑप्शन भी दे दिए, तुक्का भेड़ दो। नहीं आ रहा कोई दिक्कत नहीं, तीनों में से कोई भी तुक्का भेड़ो। विलियम हार्वी, एनी बेसेंट, विलियम लुइस। विलियम हार्वी, विलियम हार्वी। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, मतलब तालियां बजाता हूं मैं। बहुत बढ़िया, विलियम हार्वी था जो कह रहे थे। किसका? सर्कुलेशन की डिस्कवरी किसने करी? विलियम हार्वी ने। और यही था हमारा किसका, फादर ऑफ एंथोलॉजी, ब्लड की स्टडी के बारे में भी जिसने बताया था, वो कौन था? विलियम हार्वी। ठीक है, चलो बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया आंसर, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। स्वाति, अपेक्षा, जितने भी बच्चे देख रहे हैं सभी बच्चों का बहुत बढ़िया आंसर। ठीक, अब बात करते हैं कि सर्कुलेशन ऑफ ब्लड की शुरुआत कहां से। अब हमें पता है कि हमारी टोटल दो सेंट्रल वेन्स होती है। मैं वेन्स की बात कर रहा हूं बच्चे, पल्स के लिए कंफ्यूज मत होना कि सर पल्स तो एपिकल्स होती है सेंटर। नहीं, मैं वेन की बात कर रहा हूं। अब सर्कुलेशन की अगर मैं बात करूं तो सबसे पहले हमारी सेंट्रल वेन आती है, कौन सी? इंफीरियर वेना कावा। इंफीरियर वेना कावा, इंफीरियर वेना कावा इज वन ऑफ दी सेंट्रल आर्ट वेन विच टेक्स दी डीऑक्सीजनेटेड ब्लड फ्रॉम दी अदर ऑर्गन्स। यानी कि जितने भी हमारे बॉडी के लोअर लेवल के, यानी कि नेक से नीचे के जितने भी ऑर्गन्स हैं, उनसे जो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड लेके आती है हार्ट के पास, वो कौन लेके आती है? इंफीरियर वेना केवा। और इंफीरियर वेना केवा हमारी वन ऑफ दी सेंट्रल वेन है। क्या है? वन ऑफ दी सेंट्रल वेन। दूसरी है हमारी सुपीरियर वेना कावा। सुपीरियर वेना कावा, अब सुपीरियर वेना कावा अगेन हमारी सेंट्रल वेन में काउंट होती है, जो कि अपर रीजन से, यानी कि हेड, ये नेक का रीजन, वहां से ब्लड लेके आती है डीऑक्सीजनेटेड ब्लड, किसकी तरफ? हार्ट के पास। तीसरी, अब एक और है। अब ऑब्वियसली बात है कि भाई हार्ट भले ही ऑक्सीजनेटेड ब्लड सबको पहुंचा रहा है, लेकिन वो खुद भी तो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड ले रहा होगा। तो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड जिस उसको जिससे मिलता है वो होता है कोरोनरी साइनस। अब बहुत से बच्चे सोच रहे हो कि सर हमने तो कोरोनरी आर्टरी पढ़ा है। बच्चे कोरोनरी साइनस वो वेन का पार्ट है जो कि इंफीरियर वेना कावा के पास प्रेजेंट होता है। मतलब कि मैं सिंपली बोलूं तो कोरोनरी साइनस इज दोज वेन विच आर प्रेजेंट टू साइड ऑफ द इंफीरियर वेना कावा। मतलब कि ये किसकी बनी होगी? अगर मैं सिंपली बोलूं, इसमें प्रेजेंट होगी यूस्टेशियन वॉल। यूस्टेशियन वॉल होगी, और ये तीनों इंफीरियर वेने कावा, सुपीरियर वेना कावा और कोरोनरी साइनस कैरी करेगी क्या? CO2 ब्लड। CO2 से मतलब है यानी कि डीऑक्सीजनेटेड ब्लड, जिसमें ऑक्सीजन की होगी कमी और CO2 की लेवल होगा ज्यादा। फिर से बोल रहा हूं, तीन तरह की हमारी वेन्स है जो कि डीऑक्सीजनेटेड ब्लड लेके जाएगी हार्ट की तरफ। पहली इंफीरियर वेना कावा, दूसरी सुपीरियर वेना कावा, तीसरी कोरोनरी साइनस। कोरोनरी साइनस किससे बनी होती है? यूस्टेशियन वॉल से। और किसके पास प्रेजेंट होती है? इंफीरियर वेना कावा, बिहाइंड द इंफीरियर वेना कावा, हम कहेंगे लोअर लेवल से, क्योंकि लोअर लेवल का अमाउंट या पार्ट ज्यादा है तो उससे ब्लड लेती है। इसके बाद अब ये तीनों बहनें जो वेन्स है, ये ब्लड लेके जाएगी किसके पास? राइट एट्रियम। किसके पास लेके जाएगी? राइट एट्रियम, यानी कि हमारे हार्ट का पहला चैम्बर जो कि रिसीव करेगा डीऑक्सीजनेटेड ब्लड। क्या रिसीव करेगा? डीऑक्सीजनेटेड ब्लड। ठीक, उसके बाद अब बात आती है कि भाई साहब पर्सन आ गया है, यानी कि हम लोग एंट्री कर चुके हैं, लेकिन अभी भी दरवाजा खुला नहीं है। तो दरवाजा यहां पे जो होगा वो होगा ट्राई कस्पेड वॉल।
यानी कि राइट एट्रियम से लेफ्ट एट्रियम में ब्लड को जाने के लिए जिस दरवाजे को क्रॉस करना पड़ेगा, ऐसे ऐसे, मतलब अगर मैं बोलूं तो ऐसे 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 यूं कंटिन्यू होता रहेगा, पंख की तरह से फड़फड़ाता रहेगा, यूं यूं कंटिन्यूअसली ऐसे, तो वो वॉल्व है क्या? ट्राइकस्पिड वॉल्व। कौन सा वॉल्व है? ट्राइकस्पिड वॉल्व। ठीक, अब ट्राइकस्पिड वॉल्व क्रॉस करने के बाद हमारा ब्लड गया कहां पे? राइट वेंट्रिकल। हमारा ब्लड कहां पे गया? राइट वेंट्रिकल। इंफीरियर वेना कावा, सुपीरियर वेना कावा, कोरोनरी साइनस, ये तीनों लेके जा रही है डीऑक्सीजनेटेड ब्लड किसके पास? राइट एट्रियम का। राइट एट्रियम के पास ये ब्लड कहां से गया? ट्राइकस्पिड वॉल्व, जो कि एक तरह का डोर है बीचों बीच राइट एट्रियम राइट वेंट्रिकल के बीच में। इसके बाद गया किसके पास? ये राइट वेंट्रिकल के पास। किसके पास गया? राइट वेंट्रिकल के पास। ठीक, राइट वेंट्रिकल से होने के बाद ये गया किसके थ्रू? पल्मोनरी वॉल्व। पल्मोनरी वॉल्व, अब पल्मोनरी वॉल्व हमारा राइट वेंट्रिकल के लोअर लेवल पे प्रेजेंट होगा, क्योंकि वहां पे भी वॉल्व प्रेजेंट होगा, सिर्फ राइट एट्रियम लेफ्ट एट्रियम के बीच में नहीं प्रेजेंट होगा, नीचे भी प्रेजेंट होगा। ठीक, अब पल्मोनरी वॉल्व से दो आर्टरीज निकल रही है, एक निकल रही है राइट पल्मोनरी आर्टरी, राइट पल्मोनरी आर्टरी, एक निकल रही है लेफ्ट पल्मोनरी आर्टरी, क्योंकि दोनों लंग्स के पास जाना है ना ब्लड। अगर सिंगल पल्मोनरी आर्टरी तो वो एक ही लंग के पास जाता, लेकिन ये एक सिंगल पल्मोनरी आर्टरी जो दो ब्रांचेस में बटी है, इसलिए मैंने इसको लिखा लेफ्ट राइट पल्मोनरी आर्टरी, लेफ्ट पल्मोनरी आर्टरी। ठीक, इसके थ्रू गई पल्मोनरी वेल्व के थ्रू। अब यहां पे सीन ये है कि ये इकलौता एक्सेप्शन है हमारी बॉडी में जो कि डीऑक्सीजनेटेड ब्लड लेके जा रही है हार्ट लंग्स के पास, यानी कि मैं बोल सकता हूं कि पल्मोनरी आर्टरी इज द ओनली आर्टरी इन द बॉडी विच कैरी डीऑक्सीजनेटेड ब्लड, विच कैरी डीऑक्सीजनेटेड ब्लड, यानी कि जिसमें CO2 का अमाउंट सबसे ज्यादा होगा। ठीक, अब ये दोनों बहनें थी, राइट पल्मोनरी आर्टरी लेफ्ट पल्मोनरी आर्टरी, ये गई किसके पास? राइट लंग के पास। किसके पास गई? राइट लंग के पास। ये गई हमारी किसके पास? लेफ्ट लंग के पास। किसके पास गई? लेफ्ट लंग के पास। दोनों बहनें अपने अपने जो सखे थे दोस्त थे उनके पास गई। राइट पल्मोनरी आर्टरी किसके पास गई? राइट लंग के पास। लेफ्ट वाली किसके पास गई? लेफ्ट लंग के पास। ठीक, कि भाई हम तो हो गए डीऑक्सीजनेटेड, हम में हो गई है CO2 की, मतलब ऑक्सीजन की कमी। हम करके आए थे बहुत लंबी ट्रैकिंग, शॉपिंग करके आए थे सदर बाजार से, सरोनी नगर फेमस मार्केट, लड़कियों का फेमस मार्केट है ना सदर, सरोनी नगर, सदर बाजार नहीं, सदर तो हमारा सरोनी नगर, सरोनी नगर से शॉपिंग करके अब थक गई। अब भाई बंधु मिले कि यार भूख लगी है, तो अब क्या मिले? ऑक्सीजन चाहिए हमें, है ना। तो ऑक्सीजन लेने के लिए ये गई किसके पास? लंग्स के पास। यानी कि ये इसका ब्रदर, ये इसका ब्रदर, बोला भाई ऑक्सीजन दो, यानी कि खाना दो, भूख लगी है, हम तो नहीं बना रहे, है ना। अब क्या करा दोनों लंग्स ने, मतलब राइट लंग और लेफ्ट लंग बड़े अच्छे, दोनों ने ऑक्सीजन दे दिया भर के, मतलब खाना दे दी के लो भाई तुम मैगी मोमो जो खाना है खाओ, खा लिया। ठीक, अब इसके बाद दोनों ने बोला कि जहां तुम्हें जाना है शॉपिंग करने, तुमको सामान दे के आए थे, वहां पे वापस जाओ। ठीक, अब यहां से इन्हें राइट लंग से क्या मिली? ऑक्सीजन। राइट लंग और लेफ्ट लंग से क्या मिली? ऑक्सीजन मिली। ऑक्सीजन मिलने के बाद अब ये दोनों गई किसके पास? पल्मोनरी वेन से निकली, पल्मोनरी वेन। अब पल्मोनरी वेन भी हमारी टोटल दो ब्रांचेस में, राइट की राइट से, लेफ्ट की लेफ्ट से, यानी कि राइट लंग की जो पल्मोनरी वेन ब्रांच है वो सिंगल वाली, ये भी सिंगल वाली, इसलिए मैंने इसको दो करके लिख दिया कि दो पल्मोनरी वेन, यानी सिंगल की दो ब्रांचेस। ठीक, इससे हमारी टोटल दो निकली, राइट से दो और लेफ्ट से भी दो। तो अगर क्वेश्चन बना पेपर में के टोटल पल्मोनरी वेन्स कितनी होती है, टोटल पल्मोनरी वेन्स कितनी होती है, वो होती है चार, दो प्रेजेंट होती है राइट लंग के ऊपर, दो प्रेजेंट होती है लेफ्ट लंग के ऊपर। आर्टरी हमारी दो होती है, पल्मोनरी आर्टरी राइट, पल्मोनरी आर्टरी लेफ्ट, ब्रांचेस करके। वहीं पल्मोनरी वेन की टोटल कितनी ब्रांचेस होती है? टोटल होती है चार, दो राइट लंग से निकल रही है, दो लेफ्ट लंग से निकल रही है। ठीक,
अब ये दोनों ब्रांचेस गई किसके पास? लेफ्ट एट्रियम के पास, लेफ्ट एट्रियम के पास, यानी कि मम्मी के पास, लेफ्ट एट्रियम के पास गई। अब लेफ्ट एट्रियम के पास जाने का, मम्मी नहीं, ये हमारा क्या, सरोनी मार्केट, सरोनी मार्केट में पहुंच गया, ऑक्सीजन ऑक्सीजन भर ली, पल्मोनरी वेन। अब पल्मोनरी वेन यहां पे एक्सेप्शन है, क्योंकि पल्मोनरी वेन ऑक्सीजन कैरी कर रही है, यानी कि क्वेश्चन अगर फिर से बना सर्कुलेशन में, तीसरा क्वेश्चन कि भाई कौन सी वेन है जो कि ऑक्सीजनेटेड ब्लड कैरी कर रही है हार्ट की तरफ ले जाने के लिए, वो कौन सी है? पल्मोनरी वेन। पल्मोनरी आर्टरी कैरी डीऑक्सीजनेटेड ब्लड, वेयर एज पल्मोनरी वेन कैरी ऑक्सीजनेटेड ब्लड, पल्मोनरी वेन कैरी ऑक्सीजनेटेड ब्लड। ठीक, अब ये लेफ्ट एट्रियम के पास गई, यानी सरोनी मार्केट में पहुंच गई। अब यहां से ये गई दरवाजा क्रॉस करके, कौन सा दरवाजा? बायकस्पिड वॉल, बायकस्पिड वॉल। अब बायकस्पिड वॉल्व का दूसरा नाम क्या है, जल्दी से मुझे बताओ, व्हाट इज द अदर नेम ऑफ बायकस्पिड वॉल्व, व्हाट इज द अदर नेम ऑफ बायकस्पिड वॉल्व, जल्दी से मुझे बताओ कि बायकस्पिड वॉल्व का दूसरा नाम क्या है। बायकस्पिड वॉल्व का दूसरा नाम क्या है? जल्दी से बताओ, बायकस्पिड वॉल्व का दूसरा नाम क्या है? बायकस्पिड वॉल्व ऑल्सो नोन एज मिट्रल, मिट्रल। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया आंसर बच्चे। बायकस्पिड वॉल्व ऑल्सो नोन एज मिट्रल वॉल्व। बच्चों में एक कंडीशन होती है, इवन बड़ों में भी देखने को मिलती है, मिट्रल वॉल स्टेनोसिस। जब रूमेटिक हार्ट डिजीज हो जाता है, रोमैटिक हार्ट डिजीज में जब एंडोकार्डाइटिस देखने को मिलता है या मायोकार्डाइटिस, तो एस्कॉफ बॉडी डिपॉजिट होने से मिट्रल वॉल स्टेनोसिस यानी कि ब्लॉकेज हो जाती है। बच्चों में बहुत कॉमन कंडीशन है रोमैटिक हार्ट डिजीज, अगर उसको गैस का इन्फेक्शन हो जाए, ग्रुप ए बीटा हेमोलाइटिक स्ट्रेप्टोकोकाई का, उसकी वजह से मिट्रल वॉल स्टेनोसिस देखने को मिलता है। तो बहुत इंपॉर्टेंट है ये। ठीक, ये बात हो गई क्या, लेफ्ट एट्रियम से कहा गई मिट्रल बायकस्पिड वॉल या फिर मिट्रल वॉल के पास, यानी कि दरवाजा क्रॉस करा। अब ये गई हमारी किसके पास? सबसे बड़ा शॉपिंग मार्केट, कनॉट प्लेस, सदर बाजार नहीं, सरोनी मार्केट से घूम के कहां निकली शॉपिंग करने? जारा एचएनएम में। कहां गई? सीधा हार्ट का सबसे बड़ा चैम्बर, लेफ्ट वेंट्रिकल, लेफ्ट वेंट्रिकल के पास गई और वहां जाके उसने सारा शॉपिंग का सामान रख दिया, सारा शॉपिंग का सामान रख दिया। मैं बढ़िया बच्चे, बहुत बढ़िया एकदम, सभी बच्चे बढ़िया हैं। ठीक है, लेफ्ट वेंट्रिकल के पास पहुंच गई, यानी कि इस कनॉट प्लेस में पहुंच गए। अब यहां पे इसको 100% ब्लड पहुंच गया, यानी कि अगर मैं बोलू 85-100% ब्लड यहां पे पहुंच गया, सारा लेफ्ट एट्रियम से लेफ्ट वेंट्रिकल की तरफ पहुंच गया। अब ये यहां से ब्लड भेजेगा हमारी बॉडी की सबसे बड़ी आर्टरी से, और उस आर्टरी का नाम क्या है? एओटा। एओटा इज द लार्जेस्ट आर्टरी और लॉन्गेस्ट आर्टरी ऑफ द बॉडी। ठीक, लेकिन एक्सेप्शन है, एक्सेप्शन ये है, एक्सेप्शन भी नहीं बोलूंगा, ट्रिक है कि भाई लेफ्ट वेंट्रिकल में जाने के बाद ये सबसे पहले किसके पास जाएगी? एओटिक वॉल। अब ऐसे तो लेफ्ट वेंट्रिकल ब्लड भेजेगा नहीं, तो एओटिक वॉल से होके जाएगी किसके पास? एओटा के पास। एओटिक वॉल से होके जाएगी किसके पास? एओटा के पास। ठीक, एओटा के पास। और एओटा इज द लॉन्गेस्ट और लार्जेस्ट आर्टरी विच सप्लाई ऑक्सीजनेटेड ब्लड, ऑक्सीजनेटेड ब्लड टू होल बॉडी, यानी सारे बॉडी को, यानी पूरे घर वालों को। अब ये दोनों बहनें मिलके, यानी एओटा में मिक्स होने के बाद, ये दोनों की दोनों सबको सप्लाई कर देगी, ये सामान पकड़ो, ये सामान पकड़ो, यानी कि एओटा विल सप्लाई ऑक्सीजनेटेड ब्लड टू ऑल द वाइटल ऑर्गन्स ऑफ द बॉडी, ऑल द वाइटल्स ऑर्गन ऑफ द बॉडी। ठीक, अब यहां से अगर चौथा क्वेश्चन बना सर्कुलेशन से कि भाई हमें ये तो पता है कि ट्राइकस्पिड वॉल होता है, बायकस्पिड वॉल होता है, लेकिन अगर मैं पूछूं कि पल्मोनरी वेल्व
एंड एओर्टिक वेल्व, पल्मोनरी वेल्व एंड एओर्टिक वेल्व ऑल्सो नोन एज, अगर इन दोनों को साथ में बोलना हो तो क्या बोलेंगे? पल्मोनरी, बहुत बढ़िया, क्या बात है। और किसी का कोई आंसर? एक बच्चे ने दिमाग लड़ाया, बोला सेमी लूनर वॉल। इसके अलावा पल्मोनरी वेल्व एंड एओर्टिक वेल्व ऑल्सो नोन एज, पल्मोनरी वेल्व एंड एओर्टिक वेल्व ऑल्सो नोन एज, जल्दी से बच्चे बताए। एक बच्ची ने बोला सेमी लूनर वॉल। इसके अलावा और कोई आंसर सेमी लूनर के अलावा? सेमी लूनर बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया आंसर। पल्मोनरी वेल्व एंड एओर्टिक वेल्व ऑल्सो नोन एज सेमी लूनर वॉल्व, सेमी लूनर वॉल्व। इंपॉर्टेंट कर देना, पेपर में बहुत बार पूछा गया है कि पल्मोनरी वेल्व और एओर्टिक वेल्व ऑल्सो नोन एज सेमी लूनर वॉल्व। पेपर में डायरेक्ट पूछ सकता है कि आधे चांद जैसी वॉल्व किसे कहेंगे, सिंपल एओर्टिक वॉल के सिंपल पल्मोनरी वॉल्व, तो दोनों को मिलके कहेंगे हम क्या? सेमी लूनर वॉल। लेकिन कंफ्यूजन करने के लिए वो एओर्टिक वॉल का डायरेक्ट भी पूछ सकता है, तो अगर एओर्टिक वॉल भी लिखा हो तो उसको भी कह सकते हैं, नहीं तो दोनों को मिला के हम क्या कहेंगे? सेमी लूनर वॉल। क्या कहेंगे? सेमी लूनर वॉल। ठीक, अब एओर्टा से ब्लड क्रॉस करने के बाद, यानी कि मैं बोलू एओर्टा से ब्लड क्रॉस होने के बाद सारे सिस्टम में क्या, अब सारे सिस्टम में जाने के बाद अगेन ये साइकिल चली और ये वापस किसके पास गया? इंफीरियर वेना कावा, सुपीरियर वेना कावा और कोरोनरी साइनस, यानी कि ये साइकिल कंटिन्यू चलती रहेगी लाइफ टाइम जब तक पर्सन जिंदा है। यानी कि इंफीरियर वेना कावा, सुपीरियर वेना कावा, कोरोनरी साइनस से किसके पास गया? राइट एट्रियम के पास। राइट एट्रियम से किसके पास गया? ट्राइकस्पिड वॉल। ट्राइकस्पिड वॉल से किसके पास गया? राइट वेंट्रिकल। वहां से गया पल्मोनरी आर्टरी। पल्मोनरी आर्टरी दो ब्रांच में डिवाइड हुई, राइट पल्मोनरी आर्टरी, लेफ्ट पल्मोनरी आर्टरी। किसके थ्रू निकली? पल्मोनरी वेल्व के थ्रू। अब ये दोनों किसके पास गए? राइट लंग और लेफ्ट लंग। फिर उनसे निकली क्या? दो वेन्स। राइट लंग से दो वेन निकली, लेफ्ट लंग से दो वेन निकली। टोटल कितनी वेन्स हो गई? पल्मोनरी वेन्स हो गई चार। वो किसके पास गए? लेफ्ट एट्रियम के पास। लेफ्ट एट्रियम से क्रॉस होके किसके पास गए? लेफ्ट वेंट्रिकल के पास। लेकिन क्रॉस होने से पहले किस दरवाजे को क्रॉस करा? मिट्रल वॉल या फिर बाइकस्पिड वॉल। उसके बाद हो गए किसके पास? एओर्टिक वॉल के पास। एओर्टिक वॉल से क्रॉस होने के बाद किसके पास गए? एओर्टा। एओर्टा इज द लार्जेस्ट आर्टरी ऑफ द बॉडी विच कैरी ऑक्सीजनेटेड ब्लड। उसने पहुंचा दिया पूरे सिस्टम में ऑक्सीजनेटेड ब्लड। अब उसने वापस डीऑक्सीजनेटेड ब्लड कैरी करा और किसके पास ले गए? इंफीरियर वेना कावा, सुपीरियर वेना कावा, कोरोनरी साइनस। इंफीरियर वेना कावा, सुपीरियर वेना कावा आर द मेजर सेंट्रल वेन ऑफ द बॉडी विच कैरी डीऑक्सीजनेटेड ब्लड फ्रॉम द होल बॉडी। इतना बच्चे क्लियर है या किसी को कोई डाउट है तो पूछो? इतना क्लियर है तो मुझे डन करो, फिर हम आगे बढ़ते हैं। किसी को भी डाउट हो पूछो। इस टॉपिक में से किसी को भी कोई डाउट हो तो पूछो, मैं दोबारा समझाऊंगा। कोई वर्ड, कोई टर्म, कोई सिस्टम जो दोबारा समझाना हो? डन, ठीक है। सभी बच्चे रिप्लाई करें, एक ही ने डन बोला, बाकी भी किसी को भी कोई डाउट हो, कोई क्वेश्चन पूछो। कोरोनरी साइनस, ठीक है बच्चे। देखो कोरोनरी साइनस सिंपली अगर मैं बोलूं तो एक तरह की वेन ही है। कोरोनरी साइनस हमारी ग्रुप ऑफ वेन है, कोरोनरी साइनस ग्रुप ऑफ वेन है जो कैरी कर रही है सिंपली हमारा क्या? सीओटेड ब्लड, सीओटेड ब्लड या फिर मैं बोलूं डीऑक्सीजनेटेड ब्लड। अब ये जो कोरोनरी साइनस है इसमें प्रेजेंट होती है यूस्टेशियन वॉल, यूस्टेशियन वॉल की बनी होती है, ठीक है। ये लेके जाती है, ये हार्ट से डीऑक्सीजनेटेड ब्लड लेती है और किस कहां पे प्रेजेंट होती है?
इंफीरियर वेना कावा के प्रेजेंट होती है। कहां पे प्रेजेंट होती है? इंफीरियर वेना कावा के पास। अब हमें पता है हमारी बॉडी से भी डिऑक्सीडेटेड ब्लड मिल रहा है, लेकिन हार्ट भी तो कुछ डिऑक्सीडेटेड ब्लड छोड़ता होगा, हार्ट की लेयर भी तो डिऑक्सीडेटेड ब्लड छोड़ती होगी, तो वो डिऑक्सीडेटेड ब्लड इसका कोरोनरी साइनस से निकलता है। निकलता है कोरोनरी साइनस के थ्रू। ठीक सर, कैन यू एक्सप्लेन विद द डायग्राम? बिल्कुल बता देते। मान लो ये हमारा नॉर्मल छोटे बच्चों वाला दिल, छोटे बच्चों वाला, या चलो हमारा डब्बे वाला दिल देखते हैं। ठीक, ये हमारा हार्ट है। अब हार्ट के इस एरिया से आ रही है हमारी कौन? सुपीरियर वेना कावा, यानी ऊपर के रीजन से। यहां से आ रही है हमारी कौन? इंफीरियर वेना कावा। ठीक, हाँ वही कर रहा हूं बच्चे। ठीक है, सुपीरियर वेना कावा आ रही है, ठीक है, ये आ रही है इंफीरियर वेना कावा। इंफीरियर वेना कावा के जस्ट एडजेसेंट यहां पे प्रेजेंट होती है हमारी कोरोनरी साइनस। कौन प्रेजेंट होती है? कोरोनरी साइनस। अब ये तीनों लेके जा रही है हमारी सीओटेड ब्लड। क्या लेके जा रही है? सीओटेड ब्लड, यानी कि डीऑक्सीजनेटेड ब्लड कैरी करी है। तो ये ब्लड गया, चलिया चलिया चलिया, ऐसे गया ऐसे गया ऐसे गया, यहां से ऐसे ऐसे ऐसे, ठीक है, किसके पास गया? राइट एट्रियम के पास। सारा इकट्ठा ये ब्लड यहां पे इकट्ठा हो गया राइट एट्रियम में। अब राइट एट्रियम से ये दरवाजों से क्रॉस करना है। ये दरवाजा क्या? हमारा कौन सा वॉल? ट्राइकस्पिड वॉल। ठीक है, ट्राइकस्पिड वॉल के पास से गया, किसके पास? यहां से ब्लड गया हमारा किसके पास? राइट वेंट्रिकल। ये राइट एट्रियम, इसने हमारा सारा जितना डिऑक्सीजनेट ब्लड था उसको कैरी करा, उसके बाद किसके पास गया? राइट वेंट्रिकल के पास। राइट वेंट्रिकल से ये क्रॉस करके निकला कहां से? पल्मोनरी वेल्व। ये है हमारी क्या? पल्मोनरी वेल्व। ये एक दूसरा दरवाजा आया। अब पल्मोनरी वेल्व से क्रॉस होके हमारी आर्टरी निकली, कौन सी? पल्मोनरी आर्टरी। ठीक, अब पल्मोनरी आर्टरी से ब्लड गया दो ब्रांचेस में। ये मैंने लंग्स ले लिए, थोड़े अजीब से है इसलिए मान जाना। ठीक, अब पल्मोनरी आर्टरी की दो ब्रांचेस निकली, एक गई राइट लंग में, दूसरी गई लेफ्ट लंग में। ठीक है, एक गई राइट लंग में, दूसरी गई लेफ्ट लंग में। ये दोनों पल्मोनरी आर्टरी, ये जो लिख रहा हूं ना, ये पल्मोनरी आर्टरी है, ये राइट पल्मोनरी आर्टरी है लेफ्ट। ठीक है, एक एक ब्रांच गई इसमें। अब यहां से ये इसने अपना ब्लड छोड़ दिया, ये सब ने अपना ब्लड छोड़ दिया किसके पास? लंग्स के पास। ये राइट लंग, ये लेफ्ट लंग। ठीक, ले लिया। अब इन दोनों को ऑक्सीजन मिल गया। इन दोनों ने क्या करा? अपने लंग्स से दो दो वेन्स निकाली, दो वेन्स, एक गई यहां पे, ठीक है, और एक गई फिर यहां पे। यानी कि राइट लंग से तो गई हमारी दो वेन्स, और लेफ्ट लंग से भी गई हमारी दो वेन्स। ठीक है, कौन सी वेन गई? लेकिन ये गई हमारी पल्मोनरी वेन। पल्मोनरी वेन गई। अब पल्मोनरी वेन से यहां से ब्लड आया, ऑक्सीजनेटेड ब्लड, किसके पास? लेफ्ट एट्रियम के पास। ठीक, लेफ्ट एट्रियम के पास गया। अब लेफ्ट एट्रियम ने अपना ब्लड, लेकिन यहां पे तो दरवाजा है, तो दरवाजा कौन सा? दरवाजा हमारा है बाइकस्पिड वॉल। बाइकस्पिड वॉल, जिसको हमने क्या बोला? मिट्रल वॉल। ठीक, इसके बाद इसने ब्लड भेजा किसके पास? लेफ्ट वेंट्रिकल। सारा का सारा ब्लड हमारा लेफ्ट वेंट्रिकल के पास पहुंच गया। किसके पास पहुंच गया? लेफ्ट वेंट्रिकल के पास पहुंच गया। अब यहां सब प्रोसेस होने के बाद
यहां से होने के बाद अब इसने ब्लड यहां भेजा, यहां पे हमारा ब्लड है कौन सा वॉल्व, एओर्टिक वॉल्व। अब एओर्टिक वॉल्व से ब्लड गया किसके पास, लेफ्ट एट्रियम में, फिर फोर पल्मोनरी वेन एंट्री होनी चाहिए। हाँ बच्चे, दो तो लंग से हो रही है, राइट लंग से, दो लेफ्ट लंग से हो रही है, तो टोटल फोर पल्मोनरी वेन सेंटर हो रही है। एक पल्मोनरी वेन की चार ब्रांचेस निकल रही, तो टोटल चार पल्मोनरी वेन्स जा रही है हमारी लेफ्ट एट्रियम में, ठीक है। एओर्टिक वॉल से ब्लड होके क्रॉस होके गया किसमें, एओर्टा में, और फिर एओर्टा क्या करेगा, सारे जितने भी आपके सिस्टम है उनको ब्लड पहुंचाएगा, फिर वापस ये सिस्टम सारा ब्लड वापस किसको पास भेजेगा, इंफीरियर वेना कावा, सुपीरियर वेना कावा, कोरोनरी साइनस। इतना बच्चे क्लियर, ये थी कहानी, ठीक है। इतना बच्चे क्लियर, किसी को कोई डाउट, किसी को कोई डाउट? अंकिता, स्नेहा, टोटल बच्चे फोर पल्मोनरी वेन्स ही जा रही है स्नेहा, जो कि किसमें एंटर कर रही है, लेफ्ट एट्रियम में। पल्मोनरी आर्टरी की सिर्फ दो ब्रांचेस जो राइट लंग और लेफ्ट लंग की तरफ जा रही है। अंकिता बच्चे डाउट क्लियर? चलो ठीक है, वाह, हार्ट लंग्स दरवाजे बन गए, मतलब पूरा मार्केट घूम गया मैं तो, ठीक। अब बात करते हैं हम एओर्टा के बारे में। नो सर, डाउट है जयप्रकाश जी? डाउट है, पूछो पूछो, डाउट पूछो। डाउट पूछो, क्या डाउट है? सर एक एओर्टा ऊपर भी होती है क्या? एओर्टा बच्चे हमारी जो सेप्टम वॉल होती ना, उससे क्रॉस होकर निकलती है। अगला मैं एओर्टा के बारे में ही बता रहा हूं। एओर्टा हमारी सिंगल होती है, उसमें से मल्टीपल ब्रांचेस निकल रही होती है। एओर्टा हमारी नीचे ही होती है, एओर्टा ऊपर नहीं होती। एओर्टा लेफ्ट वेंट्रिकल के नीचे होती, जो ऊपर घूम के जाती है, तभी तो मैंने बोला एओर्टा लार्जेस्ट आर्टरी है। कोरोनरी साइनस का डाउट है, क्या है कोरोनरी साइनस का डाउट, पूछो बच्चे। एओर्टा कभी बच्चे डीऑक्सीजनेटेड ब्लड कैरी नहीं करती, हमेशा ऑक्सीजनेटेड ब्लड ही कैरी करती है। कोरोनरी साइनस बच्चे देखो, कोरोनरी साइनस ना, सिंपली आप अगर मैं बोलूं, कंफ्यूज नहीं होना इसमें, कोरोनरी साइनस एक्चुअल में इंफीरियर वेना कावा के पास प्रेजेंट होती है। ये एक तरह की हमारी वॉल होती है मसल की, किसकी, यूस्टेशियन वॉल की बनी होती है। ये यूस्टेशियन वॉल इसमें प्रेजेंट होती है, और ये इंफीरियर वेना कावा के एडजेसेंट यानी नीचे की तरफ प्रेजेंट होगी, जो कैरी करेगी डीऑक्सीजनेटेड ब्लड। सिंपली बोलो तो ग्रुप ऑफ वेन्स है मेन, आपकी अगर कंफर्म पूछी जाए, दो सेंट्रल वेन कौन सी है, इंफीरियर वेना कावा, सुपीरियर वेना कावा, ठीक। कोरोनरी साइनस उसकी एडजेसेंट ब्रांच है जो कि प्रेजेंट है इंफीरियर वेना कावा के नीचे, जिसमें प्रेजेंट कौन सी है, यूस्टेशियन वॉल प्रेजेंट होती है, जो कि हेल्प कराती है, ब्लड पहुंचाती है किसको, राइट एट्रियम को, और ये हार्ट से निकल रही होती है कोरोनरी साइनस, ठीक। मेन आपकी अगर पूछा सेंट्रल वेन से, तो दो ही सेंट्रल वन होती है, सुपीरियर वेना कावा, इंफीरियर वेना कावा, ठीक। चलो नेक्स्ट बात करते हैं हम किसकी, एओर्टा की। एक सेकंड में जरा पानी पी लूं, बड़ी प्यास लग रही है। सभी बच्चे वैसे पढ़ाई कर रहे हैं, एक बार रिप्लाई करें।
सभी बच्चे पढ़ाई कर रहे हैं आराम से, मतलब इसके अलावा पेपर्स की, क्योंकि देखो बच्चे नॉर्थ सेट हो गया है, रिजल्ट आ चुका है, अब उसके बारे में सोचने की जरूरत नहीं। जिसका सिलेक्शन हो गया बहुत बढ़िया, नहीं हुआ कोई टेंशन नहीं, कोई टेंशन नहीं, क्योंकि अभी बहुत सारे पेपर लगने हैं। DSSB लगना है, लगना है, CCRA लगना है, PGI चंडीगढ़ लगना है, नॉर्थ सेट फिर से लगेगा, आपके पास पूरा टाइम है। ये नहीं है कि अब रिजल्ट आ गया नहीं हुआ क्या करे, कुछ नहीं करना, मेहनत करनी है। यहां गिरे फिर चलो, यहां गिरे फिर चलो, भाई साहब सिलेक्शन लेके जाना है यहां से, सिलेक्शन लेके जाना है सर, बिना सिलेक्शन के कोई जाएगा नहीं यहां से। हाँ बच्चे, यूस्टेशियन ट्यूब अलग होती है, वो कान में प्रेजेंट होती है वो अलग होती है, ये यूस्टेशियन वॉल है, ये वॉल्व है, वॉल दीवार जो होती है ना, ये वॉल है, वो ट्यूब होती है, वो अलग होती है, बॉटल रखी हुई है बच्चे। ठीक, मैं किसकी बात करता, पेपर्स ही, इतने सारे पेपर्स लगने हैं, और जितने बच्चे मुझे इस समय देख रहे हैं, जो बाद में देखेंगे, मेरे को सबका पता है, PR अदा आप लोगों ने कर रखी है, टारगेट हाई कर रखी है, सौंदर मौसमी लिपिन कॉट सारी बुक्स हैं, गिनती की नर्सिंग की हमारी, मैं बोलूं सिंपल सिंपल, टोटल 5 बुक्स हैं, एक हो गई PR यादव, एक हो गई हमारी टारगेट हाई, ठीक, सौंदर्स हो गई, एक हो गई मौसमी, एक हो गई लिपिन कॉट। ठीक है, मौसमी लिपिन कॉट में से जो सही लगे वो पढ़ लो, मौसमी पढ़नी है मौसमी पढ़ लो, लिपिन कॉट पढ़नी है लिपिन कॉट पढ़ लो, जो आपको सही लगे, ये 3 बुक कंफर्म करनी है। करनी है क्यों, इसमें वो क्वेश्चन है दोनों में जो कि 5 से 10 साल के पेपर्स में आए हैं, और ये गाइड है एक तरह की, ये गाइड है एकदम PR यादव, जिसमें 7-8 हजार क्वेश्चन, और हमें क्वेश्चन याद नहीं करने, हम ये क्वेश्चन टारगेट आए और PR यादव से इसलिए करते हैं ताकि हमें पता चले कि हम क्वेश्चन कैसे कर रहे हैं, कितने हमारी प्रैक्टिस है, क्योंकि आप में से 90% बच्चे जो होंगे ना उनको ये क्वेश्चंस आते होंगे, लेकिन वो गलती क्या कर देते होंगे, छोटे क्वेश्चंस में मिस्टेक कर देते हैं, बड़े क्वेश्चंस इजीली कर लेते हैं। अब बच्चा मेरा इतना प्रैक्टिस कर चुका होता है कि वो बड़े क्वेश्चन इजीली निकाल लेता है, लेकिन इजी क्वेश्चंस में गलती कर देता है, क्यों, उसे लगता है मुझे फटाफट आता है मैं टिक कर देता हूं, लेकिन नहीं, समय लेना होता है, पेशेंस से पेपर देना होता है। मेन आपका खेल है 3 घंटे का, कोई 2 महीने पढ़ रहा है, कोई 6 महीने पढ़ रहा है, कोई 8 महीने पढ़ रहा है, मैटर ये नहीं कर रहा आप पे क्वांटिटी कितनी है, मैं इसके अलावा आपको 10 बुकें और बता दूं उसका फायदा नहीं होगा, मैटर है कि यहां आप क्या क्वालिटी देते हो। वो कहते हैं ना क्वांटिटी बेटर और क्वालिटी बेटर, दोनों को बैलेंस कर लो, अगर लग रहा है क्वांटिटी ज्यादा हो रही है क्वालिटी को इंप्रूव कर लो। अब एक प्रोडक्ट की क्वालिटी, आज आईफोन है भले ही महंगा है 1.5 लाख का है, लेकिन क्वालिटी दे रहा है ना, उसको भी छोड़ दो, वन प्लस टाटा नमक सबसे बढ़िया एग्जाम्पल, खाने में हमारा टाटा नमक 20 रुपए का है, सस्ता है, सस्ता है, क्वालिटी बढ़िया दे रहा है ना, दे रहा है बढ़िया, तो खेल है क्वालिटी का, जितना बेहतर आप क्वालिटेटिव पेपर देंगे उतने ज्यादा आपका नंबर आएगा, उतने ज्यादा चांसेस होंगे सिलेक्शन के। ठीक, तो जितने बच्चे मुझे देख रहे हैं, एक तो वीडियो को लाइक भी कर दो, शेयर भी कर दो, और मेरे को जवाब दो कि सारे बच्चे नर्सिंग ऑफिसर गवर्नमेंट वाले बनेंगे कि नहीं बनेंगे, जल्दी से मुझे बताओ, नर्सिंग ऑफिसर बनोगे कि नहीं बनोगे गवर्नमेंट वाले, क्योंकि मेरे लिए मैटर ये करता कि जितने मेरे बच्चे देख रहे वीडियो वो सरकारी नौकरी लेके बैठे, मैटर नहीं करता कि कब लेंगे, आज लेंगे, कल लेंगे, 1 साल बाद लेंगे, 2 साल बाद लेंगे, इतना मुझे प्रॉमिस करोगे लोगे, लोगे कि नहीं लोगे, जल्दी से मुझे रिप्लाई करो, गवर्नमेंट जॉब लोगे कि नहीं लोगे। जितने बच्चे मुझे मैटर नहीं करता कौन सी वाली ले, तो DSSB PGI नॉर्थ सेट जो लेनी है लो, लेकिन इतना मुझे प्रॉमिस करो लोगे कि नहीं लोगे। कितने बच्चे बोल रहे हैं कि हाँ सर हम बनेंगे गवर्नमेंट ऑफिसर, नर्सिंग की उसमें नर्सिंग ऑफिसर लिखवाएगा अपना, वो भी गवर्नमेंट वाला प्रॉपर, CHO VHO वाला नहीं कह रहा मैं, CHO वाला नहीं कह रहा मैं, जितने हमारे जो हमारी 80,000 सैलरी वाला जो है, ये वाली सैलरी का गवर्नमेंट ऑफिसर,
कितने बच्चे हैं? बस तीन ही बच्चे, एक दो तीन चार, चार बच्चे, चार ही बच्चे बनेंगे, बाकी कोई नहीं बनेगा। पांच, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया, सभी को बनना है ना। अब जितने बच्चे वीडियो देख रहे हैं लाइक भी कर दो, शेयर भी कर दो, सब्सक्राइब भी कर लो, क्योंकि देखो मोटिवेशन की मेरे पे कमी नहीं है, मेरे पास बतेरा मोटिवेशन है। और आपको अगर लग रहा है ना कि ऐसा है कहना आसान है, मैंने पेपर्स क्वालिफाई भी करे हैं, मैंने पेपर्स फेल भी करे हैं, तो इसका मतलब ये नहीं है कि मैं बिल्कुल ही नहीं कर रहा। मैं अभी भी पेपर देता हूं, मैं अभी भी पेपर देता हूं। क्यों? क्योंकि मेरे में ये है कि भाई मेरा बच्चा पेपर देख रहा है, उसको ऐसी क्या दिक्कत आ रही है पेपर में। मैं सीट बिल्कुल ऐसी खराब नहीं करूंगा कि भाई साहब सामने वाले का सिलेक्शन ना हो, ऐसा नहीं करूंगा मैं लिमिटेड पेपर लेकिन वो देता हूं जिसमें मुझे लगता है कि भाई ये बच्चे के लिए पेपर थोड़ा, जैसे जिपमर का मैंने दिया, मैं ऐसे ही देखा है जिपमर का कि मुझे पता था ट्रिकी पेपर आएगा, देख क्या है, क्योंकि बच्चे बहुत बोल रहे थे जिपमर का हार्ड आता, जिपमर का हार्ड आता, तो मैंने दिया, वाकई हार्ड था, पेपर ट्रिकी था। तो जितने बच्चे देख रहे हैं उनका भी सिलेक्शन होगा, जो इसके बाद वीडियो देखेंगे उनका भी सिलेक्शन होगा, है ना, क्योंकि मेरे को गारंटी है कि 100% मेरे बच्चे नर्सिंग ऑफिसर बनेंगे, बिल्कुल बिल्कुल बनोगे। अंकिता जी को यूस्टेशियन वॉल कैसे बनी होती है वो बताते हैं। बच्चे यूस्टेशियन वॉल मेनली आपकी जो कार्डियक मसल्स होती है, या फिर मैं अगर बोलूं कार्डियक मसल भी नहीं, सिंपली बोलूं जो ब्लड वेसल्स होती है ना, हमारी जो वेन्स होती है वो ब्लड, उसकी हमारी तीन उसकी बनी होती है, ठीक है। अब ये होती है कनेक्टिव टिश्यूज, इसमें प्रेजेंट होते हैं, ठीक है। और अगर मसल पूछू सिंपली तो हमारी होती है स्मूथ मसल, स्मूथ मसल होती है ये, जिसके थ्रू ये बनी होती है। अगर यूस्टेशियन वॉल का अगर पूछे कि हमारी कोरोना साइंस किसकी बनी होती है, मेनली हमारी स्मूथ मसल होती है। टिश्यू अगर उसमें से पूछे तो प्रेजेंट होता है कनेक्टिव टिश्यू, क्योंकि हमें पता है ब्लड हमारे किसका बना होता है, कनेक्टिव टिश्यू का, ठीक है, जो फ्लो कर रहा होता है उसमें इजिली फ्लो आउट, ठीक है। वॉल का पूछे कि जो ब्लड वेसल की वॉल है वो किसकी बनी है, तो उसमें एपिथेलियल टिश्यू भी प्रेजेंट है, ठीक है। हार्ट की मसल पूछे कि हार्ट की मसल कौन सी है, वो हमारी है कौन सी, कार्डियक मसल, ठीक, कार्डियक मसल। और कार्डियक मसल भी मेनली 80-90% वॉल कहां पे प्रेजेंट होती है हमारी, किसमें, मायोकार्डियम, जो हमारी मिडल लेयर होती है उसमें प्रेजेंट होती है हमारी कार्डियक मसल, ठीक। अब बात करते हैं किसकी, एओटा की। अब एओटा हमारी जो है वो टोटल तीन ब्रांचेस में बटी हुई है, एओटा हमारी टोटल तीन ब्रांचेस में डिवाइडेड है ऐसे, ठीक, ये पूरी एओटा ऐसे, ये हमारी एओटा हो गई पूरी, ठीक है। अब यहां पे ये जो एओटा का पार्ट है जो नीचे की तरफ है, ये एओटा है हमारी यहां से शुरुआत, ये है हमारा कौन सा पार्ट, असेंडिंग एओटा, ठीक है, असेंडिंग एओटा, ठीक। और इसी असेंडिंग एओटा के पास हमारी ये दो ब्रांचेस, ये ऐसे प्रेजेंट होती है, कौन, कोरोनरी आर्टरी, कौन प्रेजेंट होती है, कोरोनरी आर्टरी। कोरोनरी आर्टरी इज द मेजर आर्टरी दैट सप्लाई ऑक्सीजनेटेड ब्लड टू हार्ट। अब हार्ट को भी तो ऑक्सीजनेटेड ब्लड चाहिए होगा, तो हार्ट की तरफ जो ऑक्सीजनेटेड ब्लड ले रही है वो कौन है, कोरोनरी आर्टरी। एओटा से तो सबको ब्लड जा रहा है, पूरे वाइटल ऑर्गन्स को, तो हार्ट भी तो ऑक्सीजनेटेड ब्लड लेगा, उसकी मसल्स को भी तो ब्लड चाहिए, ठीक है। तो कोरोनरी आर्टरी का प्रेजेंट है असेंडिंग एओटा के पास, ठीक। अब असेंडिंग एओटा से होने के बाद ये वाला जो एरिया है कर्व, इस कर्व को बोलते हैं हम आर्क ऑफ एओटा, आर्च ऑफ एओटा, यानी वो कर्व, वो आधा चांद जैसा जो कर्व ऊपर प्रेजेंट है वो है आर्च ऑफ एओटा।
अब आर्च ऑफ एओर्टा से हमारी दो या तीन लेवल की ब्रांचेस निकल रही है, ठीक। तो इसको थोड़ा कर्व के बारे में देख लेते हम। ये हमारा कर्व है, ठीक। ये एओर्टा का आर्च ऑफ एओर्टा है, आर्च ऑफ एओर्टा है। अब आर्च ऑफ एओर्टा से हमारी आर्टरी पहली जो निकल रही है वो है हमारी कौन सी, क्या लिखा, हाँ ये हमारी यहां से जो निकल रही है ये है राइट सब क्लेवियन आर्टरी। सब क्लेवियन एरिया जो हमारा सब क्लेवियन वेन है, सेंट्रल वेन और सेंट्रल आर्टरी वो यहीं पे है। तो सब क्लेवियन आर्टरी में ब्लड पहुंचा रही है, ठीक। और इसी के पास हमारी दूसरी ब्रांच है जो कि ब्लड पहुंचा रही है किसके पास, राइट कॉमन कैरोटिड आर्टरी, जिससे हम अपनी कैरोटिड पल्स फील करते हैं वो यही है। तो आर्च ऑफ एओर्टा से हमारी पहली ब्रांच निकली कौन सी, राइट सब क्लेवियन आर्टरी। उसी के साइड से निकली हमारी कौन सी, राइट कॉमन कैरोटिड आर्टरी, ठीक। अब इन दोनों को मिलके हमने क्या बोला, ब्रेकियो सिफेलिक आर्टरी। ब्रेकियोसिफेलिक आर्टरी, राइट सबक्लेविन आर्टरी और राइट कॉमन कैरोटिड आर्टरी जो कि आर्च ऑफ एओर्टा से निकल रही है, जो कैरी कर रही है, क्या रिसीव कर रही है, ऑक्सीजनेटेड ब्लड जो बाकी वाइटल ऑर्गन यानी सबक्लेविन एरिया को और हमारी कैरोटिड आर्टरी जिसपे हम पल्स को फील करते हैं, कैरोटिड वेन पे कभी पल्स फील नहीं करते बच्चे, कैरोटिड आर्टरी पे पल्स फील करते हैं उसको पहुंचा रही। तो उन दोनों को हम क्या कह रहे हैं, ब्रेकोसिफेलिक आर्टरी। क्या कह रहे हैं, ब्रेकियो सिफेलिक आर्टरी, सेंट्रल वाला ब्रेकियो सिफेलिक आर्टरी, ठीक। उसके बाद यहां से भी ब्रांच निकल रही है, यहां से अब यहां से जो निकल रही है वो टोटल दो निकल रही है। ये तो जॉइंट में निकली थी, राइट कॉमन और लेफ्ट कॉमन कैरोटिड आर्टरी और राइट सबक्लेवियन। यहां से दोनों अलग अलग है, यहां पे है लेफ्ट सबक्लेवियन आर्टरी और यहां पे लेफ्ट कॉमन कैरोटिड आर्टरी। अब ये क्या कर रही है, लेफ्ट साइड में भी पहुंचा रही है। ये क्या थी पहले, राइट को, क्योंकि राइट से हमारी इंफीरियर वेना कावा सुपीरियर वेना कावा भी आ रही है। तो ये हमारी मेनली ब्रांचेस में निकल रही है, एक हमारी सेंट्रल में हमारी राइट सबक्लेवियन वेन को जा रही है, दूसरी हमारी राइट कॉमन कैरोटिड आर्टरी मतलब यहां पे जहां पे हम पल्स को फील करते हैं उसको पहुंचा रही है ऑक्सीजनेटेड ब्लड, जिसकी वजह से एक सेंट्रल हमारी यहां गई आर्टरी, एक सेंट्रल आर्टरी हमारी यहां गई, ठीक है। तो यहां पे हम पल्स फील करी इसको ऑक्सीजनेटेड ब्लड पहुंचाया। ब्रेकियल वर्ड हम इन्हीं के लिए यूज करते हैं बच्चे, ब्रेकियल वेन अलग होता है, ब्रेकियल वेन हम हाथ के लिए यूज करते हैं, ये ब्रेकियोसिफेलिक है, सेंट्रल वेन आर्टरी के उसमें काउंटर है ब्रेकियोसिफेलिक सेंट्रल। जैसे हमारी ब्रेकियल वेन होती है, ब्रेकियल पल्स होती है ना, वैसे ही ब्रेकियोसिफेलिक आर्टरी के लिए हम करते हैं। एक्चुअल में अगर बोले जैसे ब्रेकियल पल्स हम फील करते हैं यहां करते हैं, यहां पे फील करते हैं ब्रेकियल पल्स, है ना। हमारी जो ब्रेकियोसिफेलिक है सेंट्रल वेन में वो हम दोनों के लिए यूज करते हैं, राइट कॉमन कैरोटिड आर्टरी, राइट सबक्लेवियन आर्टरी, जो कि यहां से निकल रही थी ब्रांच के फॉर्म में, ठीक है। किसके फॉर्म में निकल रही होती है, ब्रांच के फॉर्म में निकल रही होती है, ठीक। फिर हमने बात करी लेफ्ट सबक्लेवियन और लेफ्ट कॉमन कैरोटिड। अब ये दोनों अलग अलग है क्योंकि यहां पे स्पेस भी है, भले ही हार्ट यहां पे है लेकिन यहां से तो इंफीरियर सुपीरियर आ रही है, तो यहां स्पेस होने की वजह से ये दोनों अलग अलग में, तो यानी कि लेफ्ट कॉमन कैरोटिड आर्टरी और लेफ्ट सब क्लेविन आर्टरी ऐसे निकल रही है।
हार्ट हमारा यहाँ है कार्डियक नॉच के उसमें, लेकिन यहां से हमारी इंफीरियर वेना कावा, सुपीरियर वेना कावा, तो यहां पे ब्रांच में निकल रही है, यहां जबकि वो सिंगल सिंगल फॉर्म में कि आर्च ऑफ एओर्टा से कॉमन कैरोटिड आर्टरी यहां जा रही है, लेफ्ट सब क्लेवन आर्टरी यहां पे जा रही है। ठीक, अब बात होती है आर्च ऑफ एओर्टा हो गया, अब आर्च ऑफ एओर्टा के बाद यहां पे जो हमारा एओर्टा की ब्रांच प्रेजेंट है वो कौन सी है, डिसेंडिंग एओर्टा, डिसेंडिंग एओर्टा। अब डिसेंडिंग एओर्टा से जो हमारी एओर्टा है वो दो ब्रांच में डिवाइड हो रही है नीचे की तरफ, एक जा रही है हमारी किसमें, ये जा रही है हमारी किसमें, थोरैसिक एओर्टा, क्योंकि थोरैसिक सिस्टम को भी हमें ब्लड पहुंचाना है, ये है थोरैसिक एओर्टा। ठीक, और ये हमारी जो डायफ्राम को क्रॉस करके जा रही है कौन सी, एब्डोमिनल एओर्टा। ठीक है, जो हमारी एओर्टा है वो मेनली अगर मैं बोलू कौन सी दो ब्रांचेस में डिवाइडेड है, एक है थोरैसिक एओर्टा, दूसरी है एब्डोमिनल एओर्टा। उसमें भी पूछे कि मेजर ब्रांच कौन सी है एओर्टा की, तो वो है हमारी एब्डोमिनल एओर्टा। कौन सी है, एब्डोमिनल एओर्टा। ठीक सर, पल्स को आर्टरी से फील करते हैं क्या या वेन से, बच्चे पल्स को आर्टरी से फील करते हैं, कभी भी वेन से फील नहीं करते, क्योंकि आर्टरी का प्रेशर बहुत ज्यादा होता है, आर्टरी का प्रेशर वेन के मुकाबले बहुत ज्यादा होता है। सिंपली अगर मैं बताऊं, अगर मैंने यहां पे एबीजी सैंपल कर रहा हूं तो मैं यहां आर्टरी को पंचर करूंगा, जब आप वेन से सैंपल लेते तो कितना ब्लड स्लोली निकलता है, कितना ब्लड स्लोली निकलता है, एकदम धीरे धीरे धीरे, जबकि आर्टरी पे आप प्रिक करते फाउंटेन की तरह ब्लड छोड़ेगा, क्योंकि यहां पे प्रेशर बहुत ज्यादा होता है। इसीलिए कभी भी अगर कोई पूछे कि पल्स फील कहाँ करते हैं, वो हम आर्टरी के लेवल पे करते हैं, पल्स के लेवल, वेन के लेवल पे नहीं, क्योंकि आर्टरी कैरी करती है ऑक्सीजनेटेड ब्लड और वेन कैरी करती है डीऑक्सीजनेटेड ब्लड। ठीक, इतना बच्चे क्लियर, किसी को कोई डाउट, किसी को कोई डाउट है तो पूछो, इतना क्लियर। किसी को कोई डाउट तो पूछो, किसी को भी कोई डाउट हो तो। गुड मॉर्निंग बच्चे, गुड मॉर्निंग। किसी का कोई डाउट, कोई सवाल कि किसमें पल्स फील करते हैं किसमें नहीं करते, कौन सी आर्टरी है, आर्च ऑफ एओर्टा कौन सा है, किसी का भी कोई डाउट हो तो पूछो। चलिए फिर, ठीक, अब हम बात करते हैं किसके बारे में, कार्डियक साइकिल के बारे में, किसके बारे में बात करते हैं, कार्डियक साइकिल के बारे में। अब हमें पता है कार्डियक साइकिल टोटल कितने सेकंड की होती है, जल्दी से बच्चे मुझे बताओ कार्डियक साइकिल। लेकिन सर आपने बोला कि ब्रेकियल वेन से ब्रेकियल पल्स फील करते हैं, ब्रेकियल वेन से बच्चे ब्रेकियल पल्स कभी फील नहीं करते, मैंने ये बताया कि यहां पे ब्रेकियल वेन होती है, ब्रेकियल पल्स यानी कि ब्रेकियल आर्टरी, ब्रेकियल आर्टरी से हम पल्स फील करते हैं, ये ब्रेकियल वेन ही हम कह रहे हैं, वेन होते हैं ना सिफेलिक वेन, ब्रेकियल वेन, वेन से सैंपल अलग होता है, मैं ब्रेकियल पल्स में अगर बोलूं तो ब्रेकियल आर्टरी से आप ब्रेकियोसिफेलिक आर्टरी से पल्स फील करते हैं, ब्रेकियल वेन से कभी पल्स फील नहीं करते, ब्रेकियल आर्टरी से बच्चे फील करते हैं। कंफ्यूज मत हो, राइट कॉमन कैरेटेड आर्टरी रखो, लेफ्ट कॉमन कैरेटेड आर्टरी, उसका सिंपल अदर नेम है ब्रेकियोसिफेलिक आर्टरी। ब्रेकियल वेन से सैंपल लिया जाता है, उससे कभी पल्स फील नहीं की जाती, ब्रेकियल पल्स फील करनी हो तो आपको आर्टरी से ही फील करनी होगी, वेन से कभी पल्स फील नहीं करनी होती,
0.8 0.8 0.8, बहुत बढ़िया आंसर। तो कार्डिक साइकिल हमारी कितनी होती है 0.8 सेकेंड। ठीक, अब इस कार्डिक साइकिल के लिए अगर मैं सिंपली बोलूं तो कंडक्शन होना होता है, यानी कि हार्ट इंपल्स भेजता है, हार्ट इंपल्स भेजता है। अब हार्ट इंपल्स भेजने के लिए सबसे पहले किसके पास जाएगा, एसए नोड, एसए नोड ऑल्सो नोन एज साइनो आर्टीरियल नोड, ऑल्सो नोन एज एसए नोड, ऑल्सो नोन एज कार्डिक साइकिल में जो कंडक्शन हम करा रहे हैं, इंपल्स का जनरेशन करा रहे हैं, उसमें एसए नोड यानी साइनो आर्टीरियल नोड, ऑल्सो नोन एज क्या कहेंगे साइनो आर्टीरियल नोड को, पेसमेकर। एसए नोड यानी साइनो आर्टीरियल नोड ऑल्सो नोन एज, एक ने बोला पेसमेकर, एक ने बोला एसए नोड, पेसमेकर। बहुत बढ़िया बच्चे, बहुत बढ़िया। इट इज ऑल्सो नोन एज नेचुरल पेसमेकर ऑफ हार्ट, नेचुरल पेसमेकर ऑफ हार्ट। ठीक, नेचुरल पेसमेकर ऑफ हार्ट है ये, कहां पे प्रेजेंट होता है, ये होता है नियर सुपीरियर वेना कावा, सुपीरियर वेना कावा की जहां ओपनिंग प्रेजेंट होती है ना उसके नजदीक, यानी नियर साइड पे प्रेजेंट होता है। यानी कि अगर मैं सिंपली बोलूं ये हार्ट है हमारा, तो यहां पे एसए नोड हमारा यहां पे प्रेजेंट है, एसए नोड। ठीक, उसके बाद है हमारा सेकेंड एवी नोड, एवी नोड हमारा सेकेंड 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 पेसमेकर ऑफ हार्ट है, सेकेंड पेसमेकर ऑफ हार्ट है। ठीक है, थर्ड हमारा आता है जो इंपल्स आगे भिजवा रहा है वो है बंडल ऑफ हिस। ठीक है, ये हमारा एवी नोड जो कि आर्टीरियल वॉल सेप्टम, जो आर्टीरियल सेप्टम है उस पर प्रेजेंट है ये एवी नोड। ठीक, उसके बाद ये निकल रही है बंडल ऑफ हिस, ये ऐसे बंडल ऑफ हिस निकल रही है। ठीक है, ये इंपल्स भेजेगी किसके पास, एट्रिया से वेंट्रिकल की तरफ, एट्रिया से वेंट्रिकल की तरफ भिजवा रही है। फिर बंडल ऑफ हिस के पास लास्ट में आता हमारा परकिंजे फाइबर्स, परकिंजे फाइबर्स, परकिंजे फाइबर्स, और ये बंडल ऑफ हिस और जो परकिंजे फाइबर्स है ये इंपल्स हमारी कौन सी वॉल पे भिजवाती है, मायोकार्डियम यानी हार्ट की जो मिडल लेयर है, हार्ट की जो मिडल लेयर है मायोकार्डियम, वही एक्चुअल में हार्ट से इंपल्स जनरेट कराएगी, जो एक्चुअल मसल जो कॉन्ट्रैक्ट हो रही है, क्योंकि 80-90% हमारी मसल किस में प्रेजेंट होती है, मायोकार्डियम में। तो मायोकार्डियम व्हेन कॉन्ट्रैक्ट इट विल स्टार्ट जनरेटिंग द इंपल्स। ठीक है, तो अगर मैं सिंपली बोलूं कि कार्डियक साइकिल एक्चुअल में क्या है, कार्डियक साइकिल सिंपली हमारी होती है क्या, इवेंट्स ऑफ वन हार्ट बीट, यानी कि बोलूं साइक्लिक इवेंट्स इन एवरी सिंगल हार्ट बीट। ठीक है, कार्डिक साइकिल अगर मैं बोलूं साइक्लिक इवेंट इन एवरी सिंगल हार्ट बीट, हर इवेंट की यानी हर सिंगल बीट पे जो साइक्लिक इवेंट हो रहा है उसको हम क्या कह रहे हैं, कार्डिक साइकिल, जो कितना होता है 0.8 सेकेंड, कितना होता है 0.8 सेकेंड। ठीक, अब इसके बारे में आगे बात करते हैं, सीसी लिख रहा हूं कार्डिक साइकिल। अब कार्डिक साइकिल में मैं बोलूं कि एट्रिया का कॉन्ट्रैक्शन है, एट्रिया का कॉन्ट्रैक्शन है, अब एट्रिया कॉन्ट्रैक्शन, तो कॉन्ट्रैक्शन ऑल्सो नोन एज, यानी कि कॉन्ट्रैक्ट हुआ है हार्ट, कॉन्ट्रैक्शन को क्या कहेंगे हम, कॉन्ट्रैक्शन ऑल्सो नोन एज, कॉन्ट्रैक्शन ऑल्सो नोन एज, कॉन्ट्रैक्शन को हम क्या कहेंगे, जल्दी से मुझे बताओ बच्चे, एट्रिया
का कॉन्ट्रैक्ट हो रहा है, यानी कि एट्रियम, राइट एट्रियम और लेफ्ट एट्रियम दोनों साथ में कॉन्ट्रैक्ट हो रहे हैं, उसको क्या कहेंगे कॉन्ट्रैक्शन? जब इलेक्ट्रिकल इंपल्स मायोकार्डियम जाती है तब वो कॉन्ट्रैक्ट करती है, या मायोकार्डियम जब कॉन्ट्रैक्ट करती है तब इलेक्ट्रिकल इंपल्स जनरेट होती है, जब इलेक्ट्रिकल इंपल्स मायोकार्डियम के पास जाती है तब मायोकार्डियम कॉन्ट्रैक्ट करती है। मायोकार्डियम खुद कॉन्ट्रैक्ट नहीं करेगी, जब परकिंजे फाइबर एसए नोड से एवी नोड, एवी नोड से बंडल ऑफ इस परकिंज फाइबर से मायोकार्डियम में वो जब इंपल्स भेजेगी तब मायोकार्डियम कॉन्ट्रैक्ट करेगी और उसके बाद पूरे हार्ट को कॉन्ट्रैक्ट कराएगी। तो मायोकार्डियम से इंपल्स जनरेट हो रही है तब जब इनसे इंपल्स जा रही है, यानी कि एसए नोड एवी नोड बंडल ऑफ इस परकिंज फाइबर्स। जल्दी से बताओ कॉन्ट्रैक्शन का मतलब, एट्रिया कॉन्ट्रैक्शन ऑल्सो नोन एज, ऑप्शन दे देता हूं, सिस्टोल या डायस्टोल। सिस्टोल के डायस्टोल, डीपोलराइजेशन, ठीक है, और डीपोलराइजेशन, 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 रीपोलराइजेशन, तो मैंने वर्ड ही नहीं दिया, मैंने पूछा सिस्टोल और डायस्टोल, सिस्टोल सिस्टोल सिस्टोल। बहुत बढ़िया आंसर बच्चे, एट्रिया कॉन्ट्रैक्शन, कॉन्ट्रैक्शन का सिंपल मतलब बोलूं तो सिस्टोल भी होता है प्लस डीपोलराइजेशन भी होता है, डीपोलराइजेशन। तो एट्रिया कॉन्ट्रैक्ट या सिस्टोल या डीपोलराइजेशन, यानी कि हार्ट का एट्रिया पार्ट, राइट एट्रियम और लेफ्ट एट्रियम दोनों जब साथ कॉन्ट्रैक्ट करते हैं उसको कहते हैं हम एट्रियल कॉन्ट्रैक्शन, सिस्टोल बोलूं या डीपोलराइजेशन बोलूं। अब ये टोटल होता है कितना, 0.1 सेकेंड, 0.1 सेकेंड में हमारा एट्रिया कॉन्ट्रैक्ट करता है, कितना करता है 0.1 सेकेंड में, ठीक। अब बात आती है सेकेंड की, वेंट्रिकल सिस्टोल, यानी कि जो वेंट्रिकल्स है हमारे लेफ्ट और राइट वेंट्रिकल्स, वो दोनों कितने समय पे कॉन्ट्रैक्ट होते हैं, 0.3 सेकेंड, 0.3 सेकेंड में हमारा वेंट्रिकल्स का कॉन्ट्रैक्शन होता है, तब जाके वो ब्लड को एओर्टा में भेजेंगे। राइट वेंट्रिकल कॉन्ट्रैक्ट होगा तो वो पल्मोनरी आर्टरी में ब्लड भेजेगा, लेफ्ट वेंट्रिकल कॉन्ट्रैक्ट होगा तो वो एओर्टा के अंदर ब्लड भेजेगा। ध्यान रखना बच्चे, राइट साइड वाला पार्ट और लेफ्ट साइड वाला पार्ट दोनों साइमेंटेनियसली कॉन्ट्रैक्ट होंगे, यानी कि अगर राइट एट्रियम इधर कॉन्ट्रैक्ट हो रहा है तो लेफ्ट एट्रियम भी कॉन्ट्रैक्ट होगा, ऐसे नहीं होगा कि पहले राइट होगा फिर लेफ्ट होगा, नहीं, दोनों साथ ही कंटिन्यू चलते रहेंगे, नहीं तो अगर एक पहले हुआ दूसरा बाद में हुआ तो ब्लड की मिक्सिंग हो सकती है और पॉजिंग आ सकती है, वो इरेगुलर रिदम देगा फिर वो, ठीक। तो वेंट्रिकल सिस्टोल हमारी कितनी है, 0.3 सेकेंड, कितनी, 0.3 सेकेंड। अब लास्ट है कंप्लीट कार्डियक रिलैक्सेशन, यानी कि मैं बोलू हार्ट अब हमारा कॉन्ट्रैक्ट हो गया, लेकिन हर समय तो कॉन्ट्रैक्ट नहीं रहेगा, तो कंप्लीट कार्डियक रिलैक्सेशन, या फिर मैं इसको बोलू डायस्टोल, कंप्लीट कार्डियक रिलैक्सेशन बोलू या इसको मैं बोलू डायस्टोल, तो वो होगा हमारा कितने सेकंड में, कितने सेकंड में होगा, 0.4 सेकेंड, कितने सेकंड में, 0.4 सेकेंड। तो अगर कार्डियक साइकिल में पूछे कि भाई हमारा एट्रिया सिस्टोल या एट्रियल डीपोलराइजेशन या फिर एट्रियल कॉन्ट्रैक्शन कितने सेकंड में हो रहा है, चाहे राइट एट्रियम हो लेफ्ट, कितना है, 0.1 सेकेंड, कितना, 0.1 सेकेंड। एक मिनट साइड का मैं दिखा देता हूं, एक सेकंड बच्चे, ठीक। वही बात करूं वेंट्रिकल सिस्टोल की या फिर वेंट्रिकुलर डीपोलराइजेशन है वेंट्रिकल कॉन्ट्रैक्शंस की, वो है हमारा कितना, 0.3 सेकेंड, कितना, 0.3 सेकेंड, ठीक।
और लास्ट है हमारा कंप्लीट कार्डियक रिलैक्सेशन। एक मिनट, ठीक है, कंप्लीट कार्डियक रिलैक्सेशन बोल दूं या फिर मैं उसको बोल दूं डायस्टोल, या फिर मैं बोल दूं इसको रीपोलराइजेशन, कि भाई अब हार्ट हमारा रिलैक्स हो रहा है, आराम कर रहा है, और उसके बाद वो वापस अपनी कार्डियक साइकिल स्टार्ट करेगा। तो टोटल हमारी कार्डियक साइकिल है कितनी, 0.8 सेकेंड, जिसमें हमारा एट्रिया कॉन्ट्रैक्ट हो रहा है 0.3 सेकेंड में, वेंट्रिकल्स कॉन्ट्रैक्ट हो रहे हैं हमारे 0.3, इसका है 0.1 सेकेंड में, यह है 0.3 सेकेंड, और कंप्लीट कार्डियक जो रिलैक्सेशन हो रहा है वो हो रहा है 0.4 सेकेंड में। तो मैं अगर मैं बोलूं एट्रियल सिस्टोल, तो एट्रियल सिस्टोल है मेरा 0.1 सेकेंड, ठीक है, वेंट्रिकल सिस्टोल या फिर डीपोलराइजेशन वो है 0.3 सेकेंड, और कंप्लीट कार्डियक डायस्टोल वो है 0.4 सेकेंड, टोटल हुआ हमारा 0.8 सेकेंड। इसमें किसी को कोई डाउट तो पूछो, कार्डियक साइकिल में किसी को कोई डाउट तो पूछो। कार्डियक साइकिल में किसी को कोई डाउट तो पूछो। ये 0.3 सेकेंड है बच्चे, 0.3 सेकेंड है कार्डियक साइकिल में किसी को कोई डाउट तो पूछो। हम ये डिजीज कंडीशन में भी इसको अच्छे से पढ़ेंगे कैसे कॉन्ट्रैक्ट हो रहा है, क्योंकि आज के बाद हमारी फिर डिजीज कंडीशन ही स्टार्ट होगी, ठीक है, जितनी भी हमारी डिजीज कंडीशन है उनको हम स्टार्ट करेंगे। आज हमारा फाइनल हम एनाटॉमी को यहाँ पे एंड करेंगे, तो किसी को कोई डाउट हो तो पूछो। एक मिनट में कितनी कार्डियक साइकिल चलती है? अगर एक मिनट में सिंपली मैं बोलूं तो आपका कार्डियक आउटपुट पे डिपेंड करता है, जैसे एक सिंगल बीट पे आप 70 ml ब्लड एओर्टा से इजेक्ट करते हैं एक सिंगल बीट पे, यानी कि 0.8 सेकंड में आपने 70 ml ब्लड इजेक्ट करा, ठीक है, और एक मिनट में हमारे 72 टाइम्स हार्ट कॉन्ट्रैक्ट करता है, तो सिंगल बीट यानी कि 72 बार एक मिनट में 72 टाइम कार्डियक साइकिल आपकी चल रही है, 72 बार 72 टाइम्स। ठीक, एक मिनट में 72 टाइम्स यानी आपका हार्ट कॉन्ट्रैक्ट कर रहा है, और एक सिंगल बीट पे आपका 70 ml ब्लड एओर्टा से इजेक्ट हो रहा है, यानी कि सिंपली बोलू एओर्टा से इजेक्ट होने का मतलब है वेंट्रिकल से निकला और वो एओर्टा के पास गया, और एओर्टा ने फिर बाकी ऑर्गन्स में ब्लड पहुंचाया, एओर्टा में सिंपली पूछो एक सिंगल बीट पे 70 ml ब्लड गया। ठीक ठीक है स्नेहा बच्चे, अब थोड़ा साउंड के बारे में भी बात कर लेते हैं हम। अब दो तरह के हमारे हार्ट साउंड होते हैं, हार्ट साउंड हमारे दो तरह के होते हैं, है ना, S1 और S2। S1 को कहते हैं हम लब, S2 को कहते हैं हम डब, लब डब। S1 को कहते हैं हम लब, S2 को कहते हैं हम डब, ठीक। अब S1 का जो साउंड आता है वो आता है क्लोजर ऑफ कौन सी वॉल, अगर किसी को नॉर्मली हार्ट रेट 90 के अराउंड हो तो उससे नॉर्मल बोलेंगे बच्चे, 60-100 को हम नॉर्मल में काउंट करते हैं, उसमें भी एवरेज बोला गया है वो होता है हमारा कितना 70, 72 टाइम्स हार्ट बीट पंप कर रहा है, कॉन्ट्रैक्ट कर रहा है, और 70 ml ब्लड भेज रहा है, तो
तो 90 तक है तो एवरेज हम उसको बोल रहे हैं, हाँ भाई नॉर्मल है, वो नॉर्मल में काउंट होता है। ये हमने एवरेज जो ह्यूमन टेंडेंसी या फिर ह्यूमन एवरेज में जो निकलता है ना कि इतना ब्लड, क्योंकि 5.5 लीटर ब्लड वो बना रहा, 5.4 लीटर ब्लड हमारा टोटल बॉडी जो हार्ट बना रहा होता है ना, इतना ब्लड हमारा निकाल रहा होता है वो। एवरेज अगर बोले कि 90 को नॉर्मल बोलेगे तो नॉर्मल बोल सकते हैं, लेकिन वो 90 ml ब्लड नहीं मारेगा, ब्लड वो तब भी इतना ही मारेगा, वो ब्लड ज्यादा तब फेंकेगा अगर वो रनिंग कर रहा हो, स्ट्रेस ले रहा हो, हाइपर एक्टिविटी कर रहा हो तब। ठीक, ठीक है। हाँ, तो S1 साउंड की बात कर रहे थे हम। S1 साउंड हमारा आता है क्लोजर ऑफ मिट्रल वॉल्व एंड ट्राइकस्पिड वॉल्व, यानी कि आपका जब मिट्रल वॉल्व और ट्राइकस्पिड वॉल्व क्लोज हो रहा होता है, क्लोज बंद हो रहा होता है, तब आपका साउंड आता है S1। यानी कि जब डॉक्टर या फिर आप जब हार्ट साउंड सुनते हैं, लब डब, ऐसा घोड़ा भाग रहा था डब 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 कर, लब डब करके, है ना, तो वो किस पे आता है, क्लोजर ऑफ मिट्रल वॉल्व और ट्राइकस्पिड वॉल्व। वहीं S2 साउंड आपका आता है क्लोजर ऑफ सेमी लूनार वॉल्व, सेमी लूनार वॉल्व। अब सेमी लूनार वॉल्व में हमारी आ जाती है एओर्टिक वॉल्व एंड पल्मोनरी वॉल्व। ठीक है, एओर्टिक वॉल्व और पल्मोनरी वॉल्व के क्लोजर पे, यानी कि मेरा यह हार्ट है, मानो ये हार्ट है। ठीक, अब यहां पे जो ट्राइकस्पिड वॉल्व और बाइकस्पिड वॉल्व है, इनका जब क्लोजर होगा तो साउंड आएगा S1 लब, और जब यहां की यानी कि पल्मोनरी वॉल्व और एओर्टिक वॉल्व का क्लोजर होगा तब आएगा हमारा S2 डब, यानी लब डब लब डब लब डब से डक डक करके, ऐसे हॉर्स ऐसे राइड कर रहा था टक 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 करके, ऐसे जैसे सिंपली बोल तो ऐसे ऐसे, ये साउंड आपका जो आएगा S1 का आएगा किसके क्लोजर पे, ट्राइकस्पिड और बाइक मिट्रल वॉल्व के क्लोजर पे, जबकि S2 किस पे आएगा हमारा, सेमी लूनर वॉल्व यानी एओर्टिक और पल्मोनरी वॉल्व के क्लोजर पे। ये हो गया बच्चे, क्लास खत्म। तो आज की क्लास में किसी को कोई डाउट तो पूछो। आज की क्लास में किसी को कोई डाउट तो पूछो, फिर हम क्लास को आज यहां एंड करते हैं। किसी को कोई डाउट हो तो पूछो, फिर हम क्लास को यहां एंड करेंगे। आज की क्लास समझ आई कि सबको, किसी का कोई डाउट? बढ़िया थी क्लास? किसी को ऐसा लग रहा हो कि सर ने बहुत ज्यादा भगा भगा के पढ़ा दी, कंफ्यूज कर दिया, ऐसा तो नहीं लग रहा था? बाकी एक बार फिर सबको बता दूं, एकॉन का इवनिंग बैच 1 से 2 नवंबर को स्टार्ट है। ठीक है, नीचे जो आपके स्क्रीन पे जो रजिस्ट्रेशन नंबर दिख रहे हैं उस पर कॉल करिए और फटाफट से अपना रजिस्ट्रेशन कराइए, और एकॉन के जितने भी बेहतरीन टीचर्स हैं उनसे क्लास लेके आपका जो सपना है गवर्नमेंट जॉब का उसको पाइए। ठीक है, और दूसरा बैच इनका मॉर्निंग का स्टार्ट होने वाला है 15 से 16 नवंबर, उस दिन 2 दिन डेमो है, डेमो लीजिए, क्लास को अटेंड करिए और गवर्नमेंट जॉब का सपना पाइए, एकॉन से जुड़ के अपने सपने को पूरा करिए। तो आज की क्लास फिर हम यहाँ एंड करते हैं, अच्छे से पढ़िए। नेक्स्ट क्लास में हमारी सारी डिजीज कंडीशन स्टार्ट होगी, जिसमें हम सबसे पहले पढ़ेंगे एंजाइना और उसके बाद पढ़ेंगे कोरोनरी आर्टरी डिजीज। ठीक सर, रिकॉर्डेड वीडियो मिल सकती है क्या? बच्चे रिकॉर्डेड वीडियो मेरे पास नहीं है, ये यूट्यूब पे पड़ी रहेगी, आप इसको जब चाहे देख सकते हैं, यूट्यूब पे अवेलेबल है।
ये जितनी है, लेट ज्वाइन करी थी कोई बात नहीं बच्चे, ये यूट्यूब पे पड़ी है, यूट्यूब पे आप जितनी भी कार्डियोवैस्कुलर क्लास है, अगर आपको मेरी क्लासेस सही लगी तो आप मेरी प्रीवियस क्लासेस भी देख सकते हो, कार्डियोवैस्कुलर की सारी अवेलेबल है कौन केस के यूट्यूब के पेज पे, सारी अवेलेबल है। ठीक है चलो फिर तो आज की क्लास को मेंड करते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, आप अच्छे से पढ़ते रहिए, खुश रहिए और मजे करिए, ठीक है चलो बाय।